हाँ बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज का जो टॉपिक है आप लोगों का, पहला चैप्टर दूरी विस्थापन और कार्य, दूरी की अंग्रेजी डिस्टेंस, विस्थापन की अंग्रेजी डिस्प्लेसमेंट और कार्य की अंग्रेजी होती है वर्क। इन सब के बारे में आज बताया जाएगा आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे दूरी। दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। तो चलिए, दूरी और विस्थापन पहले समझ लीजिए दोनों क्या हैं। बिंदु देखिए, ए बी और सी, तीन बिंदु हैं और एक ए से बी तक और बी से सी तक, ये मार्ग है। आपको चलना है, ए से जाना है सी तक। कहाँ तक जाना है? सी तक। अगर इस मार्ग से यहाँ पहुँचे फिर यहाँ आए, मान लीजिए ये 6 मीटर है, ये 5 मीटर है, 5 मीटर की ये 6 मीटर की ये वाली दूरी और 5 मीटर की ये दूरी, दोनों जोड़ेंगे तो निकलेगी दूरी 6 और 5, 6 प्लस 5 बराबर 11 मीटर हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको सीधे यहाँ पहुँचने के लिए कोई रास्ता हो या फिर आप सीधे यहाँ आ सकते हैं, तो जो सीधा वाला मार्ग होगा इस मार्ग को विस्थापन बोलेंगे। और इसे निकालने के लिए, विस्थापन को ज्ञात करने के लिए आपको कर्ण, लंब और आधार तीनों का प्रयोग, यानी कर्ण निकालना है आपको, ए से सी, ए सी निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी विस्थापन, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब आधार को लीजिए, आधार बी सी है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो गया। इसके बाद अब इन दोनों का मान जो दिया गया है उसे रख देंगे। बी सी का मान कितना है? 5 मीटर है, तो 5 मीटर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और इसका ए बी का मान 6 है प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखिए, 5 का स्क्वायर होगा तो 25, 6 का स्क्वायर 36, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 5 11, 3 2 5 1 6 हो गए, 61 आ गया। इधर है विस्थापन का स्क्वायर, विस्थापन का स्क्वायर है, लेकिन ये देखिए, अगर बाई पक्ष से वर्ग को दाई पक्ष में भेजते हैं तो यह कर्णी का रूप धारण करेगा, यानी कर्णी बन जाएगा, या फिर पावर 1/2। तो 61 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो लगभग ये 7.5 होगा। कितना होगा? 7.5 मीटर। ये हो गया विस्थापन, यानी जो न्यूनतम दूरी है या फिर लंबवत दूरी उसे विस्थापन कहेंगे, और जो घूम करके यानी ज़्यादा पथ जब तय करोगे तो इसे दूरी बोलेंगे। दूरी का मतलब ये समझ लो कि टेढ़ी मेढ़ी गति, और विस्थापन का मतलब सीधे। अगर सीधे पहुंच रहे हैं तो आपका पथ विस्थापन के अंतर्गत आएगा, और अगर टेढ़े मार्ग से या फिर घूम करके इधर उधर जा रहे हैं तो ये दूरी के अंतर्गत आएगा। तो इसकी परिभाषा लिखी है दूरी की। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई,
पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल डी या यस से प्रदर्शित करते हैं। और दूरी का मात्रक देखिए, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये सब होता है। और जो मेन या फिर मुख्य मात्रक है इसका, मीटर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर माना जाता है, उसे मीटर बोलते हैं, इसका मात्रक। इसके बाद ये कैसी राशि है, अब बताइए, जिसकी गति टेढ़ी मेढ़ी होगी तो उसकी कोई दिशा निश्चित नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगी, ये अदिश राशि। यह एक, इसका नोट लिखिएगा, दूरी एक अदिश राशि। अदिश राशि है। इसके बाद वाला दूसरा पॉइंट है विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, अभी बताएं आपको उदाहरण के द्वारा। इसमें क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, यानी जो लंबाई है, जितनी लंबाई आप तय करोगे उसी लंबाई को दूरी कहेंगे। और विस्थापन में सब कुछ वही रहेगा, केवल यहाँ लंबाई की जगह न्यूनतम लंबाई हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, विस्थापन में बताए हैं कि सीधा मार्ग, अगर सीधा यहाँ पहुँच गए, सीधा सीधा, तो ये क्या होगा, विस्थापन होगा। तो विस्थापन सीधा है, यानी एक ही दिशा में हो सकता है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। और दूरी की दिशा देखिए, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, यानी बार बार क्या होगी, इसकी दिशा चेंज होती रहती है, अतः यह एक अदिश राशि है। और विस्थापन को भी इसी अक्षरों से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर केवल सदिश का निशान, तीर लगा देते हैं, वेक्टर जिसे बोलते हैं। सब नोट कर लिए होंगे, आगे चलते हैं अब। विस्थापन को वेक्टर डी, देखिए यही तीर है, इसी तीर को वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर डी या वेक्टर यस से। ज्यादातर प्रयोग यस का ही होगा, डी से इसकी अंग्रेजी होती है, इसलिए इसे प्रदर्शित करने के लिए रखा गया है, लेकिन ज्यादातर प्रयोग आपका यस का ही होगा, यस से प्रदर्शित करते हैं।
और इसके लिए भी नोट लिखिएगा, यह एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब जिसमें दिशा निश्चित होगी। तो ये वाला एग्जाम्पल आप लोग बना लीजिएगा। ए बी सी, ए से बी तक आएंगे, बी से सी तक। तो दूरी के लिए दूरी बराबर होगा ए बी प्लस बी सी, और विस्थापन होगा सीधा दूरी ये वाली, न्यूनतम दूरी इन दोनों के बीच की। तो ये हो जाएगा ए सी। यही है दूरी और विस्थापन में अंतर। अब देखिए, दूरी से कुछ राशियां बनाई जाएंगी और कुछ विस्थापन से। तो जो राशियां दूरी से बनाई जाएंगी वो अदिश होंगी, और जो विस्थापन से बनाई जाएंगी वो सदिश होंगी। इसके बाद वाला पॉइंट है आपका चाल, स्पीड। चाल की अंग्रेजी स्पीड होती है। चाल की परिभाषा लिखिएगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी। देखिए, इसमें दूरी का प्रयोग होगा इसलिए यह अदिश राशि होगी, और इसी का दूसरा रूप है वेग। अंतर केवल दोनों में इतना है कि यह सदिश है और यह अदिश है। वेग की अंग्रेजी वेलोसिटी होती है। चाल की परिभाषा लिखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी। को चाल कहते हैं। अब देखिए, एकांक समय है दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा समय होता है चाल का फार्मूला। इस समय को एकांक करना है, एकांक करने का मतलब एक रख दीजिए, इसका परिमाण एक ले लीजिए, तो दूरी बटे में एक हो जाएगा। तो एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? चाल। इसी से बना है इसकी परिभाषा, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। और चाल को वी से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट है वेग। वेग क्या होता है? जैसे इसकी परिभाषा आप लिखे हैं, केवल इसमें जहां दूरी है वहां पर विस्थापन कर दीजिए तो ये वेग हो जाएगा। एकांक किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में या फिर एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं।
किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में या फिर एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। दोनों को, चाल हो या फिर वेग हो, दोनों को v से प्रदर्शित करेंगे। इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। और चाल इसके लिए, वेग के लिए फार्मूला होता है वेग बराबर, जैसे इसमें चाल बराबर दूरी बटा समय था, तो इसमें वेग बराबर विस्थापन। विस्थापन बटा समय। अब देखिए, वेग को v से, विस्थापन को s से, अपान t हो जाएगा। वेग एक सदिश राशि है, बस इतना अंतर होगा चाल और वेग में कि चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। क्यों सदिश है वेग, क्यों सदिश राशि है? क्योंकि यह विस्थापन से बनी है, जो कि विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होता है। सदिश कैसे होता है, बताए हैं कि इसकी दिशा निश्चित की जा सकती है या फिर इसकी दिशा केवल एक होती है और दूरी की दिशा बदल सकती है। जिस जिस पथ पर आप जाओगे वो सब दूरी में गणना किया जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से आपके घर की दूरी पूछा जाए तो आप सीधे बताओगे, तो यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को आप प्रदर्शित करते हो, तो सीधे दिशा बताते हो कि हमारा घर यहाँ से दक्षिण साइड में है या पश्चिम साइड में है या पूरब साइड में है या फिर उत्तर साइड में है, तो दिशा का वहाँ निर्धारण किया जाता है। इसलिए विस्थापन वाली जितनी राशियाँ आएंगी वो सब सदिश होंगी, और दूरी के लिए यानी जिसमें दूरी का प्रयोग होगा वो राशियाँ अदिश होंगी। तो इन दोनों परिभाषाओं को और इनके फार्मूलों को यानी सूत्रों को आप लोग पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, जिससे अगली क्लास जब हम लेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना? चलिए, अच्छा, इसके बाद वाला जो टॉपिक है इनका प्रयोग कुछ बता देती हैं। जो सूत्र आए हैं अभी दोनों, इनका प्रयोग जैसे मान लो आप किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हो। कैसा पथ है? वृत्ताकार। मान लीजिए आप ए पर थे। कहाँ पर थे? ए पर। ए से आप चले गए यहाँ बी पर। अब पूछा जाएगा कि आपकी दूरी ए से बी कहाँ तक है या फिर कितनी है, तो यहाँ से ये वाला आप निकालोगे, लेकिन जो वृत्त होगा या फिर जो जिस पथ पर आप गति कर रहे होंगे उसकी त्रिज्या आपको पता होगी, आर का मान पता होगा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालना है तो ये वाली दूरी निकालेंगे। जब दूरी पूछा जाएगा तब, दूरी पूछा जाएगा तो यहाँ से ये वाला निकालोगे,
और अगर विस्थापन पूछा जाएगा तो यहाँ से सीधा ऐसे इसको मिला देंगे, तब इसी का प्रयोग करके, केवल त्रिज्या का प्रयोग करके आप निकाल देंगे। लेकिन अगर दूरी पूछा गया तो इसकी पूरी परिधि निकालिए, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, मान लीजिए कि 90 अंश का कोण है, तो ये पूरे का चौथा भाग है, 360 का चौथा भाग 90 है। तब जब ये कोण चौथा भाग है तो इसके द्वारा जो परिधि तय की गई है ए से बी तक की दूरी, ए भी इसकी चौथाई होगी, यानी यहाँ पर क्या करेंगे 2 पाई आर बाई 4 कर देंगे। तो इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 2 आ गया, पाई का मान जो भी होता है उसे रख दीजिए 22/7, और आर का मान यहाँ कुछ भी दिया हो, जो भी मान हो, मान लीजिए 7 है तो यहाँ 7 रख देंगे, और बटे में 2 है, इसको काट दीजिए, इससे 22 बटा कितना आ गया 2, तो 11 मीटर हो जाएगा। देखिए अगर इसको मीटर मानेंगे तो ये भी मान मीटर में ही आएगा, अगर सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर ही होगा। अब देखिए निकालना क्या है, दूसरी स्थिति में विस्थापन पूछ दिया गया, तो विस्थापन के लिए ये फार्मूला नहीं यूज होगा, विस्थापन में आपको सीधे सीधे पथ की जो न्यूनतम लंबाई है उसे देखना है। तो सीधा यहाँ से एक मिला करके इसको एक पथ बना लेंगे और उसी का मान निकाल देंगे। विस्थापन के लिए AC निकालना है, क्या निकालना है AC, और AC होगा इन दोनों भुजाओं के माप से प्राप्त। तब क्या करेंगे, अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर कर्णी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज है इसलिए। अब आधार भी 7 है और इसका लंब भी, जब त्रिज्या है तो त्रिज्या हर जगह बराबर होगी, यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 7, यानी सब जगह क्या होगा एक ही चीज। तो यहाँ 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो निकल गया कितना आया इसका मान, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यानी 49 प्लस 49। 49 कहाँ से आया, 7 का स्क्वायर, यानी 7 का 2 बार गुणा, तो गणित में आप लोग पढ़े होंगे वर्ग, इसका 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 सते 49, यहीं से आया है, 49 और 49 दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98। 98 को लिख सकते हो 2 गुणे, इधर लिख रहे हैं इसको, AC बराबर अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 49, 98 आ गया। अब 98 को लिखेंगे 2 गुणे 49, तो कर्णी में 2 तो अलग हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 होता है। कक्षा 8 में आप लोग गणित में वर्गमूल पढ़े होंगे, जिसका प्रयोग यहाँ करना है आपको, 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7, तो यही आ गया। कर्णी में 2 का मान 1.414 होता है, इसको रख दीजिए और 7 का गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे 7 चौक 28 7 एकम 7 2 9, 7 चौक 28 7 एकम 7 और 2 9। इसके बाद देखिए कितना अंक इधर है, 3 अंक है, 1 2 3, तो 3 अंक इधर से गिन करके 1 2 3 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। अब देख लीजिए AC क्या है, AC विस्थापन है, सॉरी AC नहीं है बल्कि AB है, यहाँ भी AB कर लीजिएगा, AB क्या है विस्थापन, सीधा सीधा है, और इस तरह से अगर ये भी पूछा जाए तो ये वक्रकार जो पथ है इसका दूरी के लिए है, इसको निकाला गया है इधर, इसका मान आया 11 और इसका मान कितना आ रहा है 9.89। अब बताओ दोनों में से कौन बड़ा है, 11 बड़ा है कि 9, 11 बड़ा है, अतः स्पष्ट है कि दूरी का मान हमेशा विस्थापन से ज़्यादा ही होगा, और दूरी हमेशा धनात्मक होगी,
इसका दूसरा गुण यह है कि दूरी हमेशा धनात्मक होगी, और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अब जीरो कैसे होगा देख लीजिए, ए से चलते हैं घूम करके फिर ए पर पहुंच गए, स्कूल से चले घर गए, और घर से फिर क्या करेंगे, फिर स्कूल आएंगे, तो आपका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा, लेकिन आपके द्वारा तय की गई दूरी डबल होगी, यानी जितना घर से आए हो उतना ही घर जाओगे। इस प्रकार से आज आपका विस्थापन और दूरी वाला जो पॉइंट था ये समाप्त होता है। अगली क्लास में अब चाल और वेग के बारे में और भी विस्तार से बताया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।